डॉक्टर मानसिंह सह आचार्य भूगोल राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज का विषय है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। भूगोल में हम पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। इन भू आकृतियों का निर्माण एवं विकास पृथ्वी के गर्भ में गठित होने वाली भूगर्भिक शक्तियों के द्वारा होता है। अतः जब तक हम पृथ्वी के भूगर्भ का अध्ययन नहीं कर लेंगे या पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन नहीं कर लेंगे, उस समय तक हमारे को इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि पृथ्वी के धरातल पर जितने भी भू आकार पाए जाते हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है। सन 1967 में कोयना का भूकंप महाराष्ट्र राज्य में तथा 1993 में लातूर का भूकंप, दो भूकंप ऐसे भूभाग में आए हैं जो कि विश्व के सबसे प्राचीनतम भूभाग हैं, कठोर भूभाग हैं, स्थिर भूभाग हैं। ऐसे भूभागों में भूकंप नहीं आते हैं। भूकंप सामान्य रूप से नवीनतम मोड़दार अस्थिर भूभागों में आते हैं। जैसे ही कोयना का भूकंप आया, भूगर्भ शास्त्रियों के सामने एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। प्रायद्वीपीय पठार में स्थित कोयना के भूकंप के आने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि यह पठारी भूभाग स्थिर है, प्राचीनतम है। जैसे ही इस कोयना की भूकंप के आने के कारणों का अध्ययन भूगर्भ शास्त्रियों ने किया, तो उससे भूगर्भ शास्त्रियों के मन में एक बात आई कि जब तक हम पृथ्वी के भूगर्भ का अध्ययन अच्छी प्रकार से नहीं कर लेंगे, उस समय तक हम पृथ्वी के धरातल पर या पृथ्वी के भूगर्भ में गठित होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि भूगोल में हम मुख्य रूप से पृथ्वी के गर्भ का अध्ययन करते हैं। जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, उस समय हम तीन स्रोत काम में लेते हैं। पहला स्रोत है अप्राकृतिक स्रोत, अप्राकृतिक स्रोत में हम तीन को लेते हैं। पहला घनत्व है, दूसरा दबाव, तीसरा तापमान। दूसरे स्रोत के रूप में हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत लेते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत तीसरा स्रोत हम प्राकृतिक स्रोत लेते हैं। प्राकृतिक स्रोत में हम दो को लेते हैं, ज्वालामुखी क्रिया दूसरा भूकंप विज्ञान। इन स्रोतों के बारे में जानने के लिए हम एक एक स्रोत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले अप्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत घनत्व को लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम सामान्य रूप से तीन परतों में विभाजित करते हैं।
सियाल, सीमा, निफे। सियाल का घनत्व है 2.7 से 2.9, सीमा का घनत्व है 3.3 से 3.5 तथा निफे का घनत्व है 11 है। क्योंकि सियाल परत पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, सीमा परत पृथ्वी की मध्यम परत है, निफे पृथ्वी की सबसे अंतरतम परत है। जब हम इस घनत्व को देखते हैं तो यह इस घनत्व को देखने पर एक बात स्पष्ट रूप से हमारे सामने आती है कि जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपरी धरातल से आंतरिक भाग की तरफ जाते हैं वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जाता है। क्योंकि सियाल का घनत्व 2.7 से 2.9 है, निफे का घनत्व 11 है, जबकि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। अतः इस विश्लेषण से एक बात स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल से भूगर्भ की तरफ जाने पर घनत्व निरंतर बढ़ता जाता है। धरातल से भूगर्भ की तरफ जाने पर धरातल से भूगर्भ की तरफ जाने पर घनत्व बढ़ता जाता है। धरातल से भूगर्भ की तरफ जाने पर घनत्व बढ़ता जाता है। यह घनत्व क्यों बढ़ता जाता है इसके संदर्भ में भूगर्भ शास्त्रियों ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। क्योंकि पृथ्वी की ऊपरी परतों का दबाव निचली परतों पर पड़ता जाता है, ऊपरी परतों का दबाव निचली परतों पर पड़ता जाता है। इसी कारण से पृथ्वी के धरातल से भूगर्भ की तरफ जाने पर घनत्व बढ़ता जाता है। यहां पर एक तथ्य और भूगर्भ शास्त्रियों ने उल्लेखित किया है कि ऊपरी परतों के दबाव के कारण से घनत्व बढ़ता जाता है, लेकिन दबाव के कारण से घनत्व बढ़ने की एक सीमा आती है। उस सीमा के बाद में चाहे हम कितना भी दबाव क्यों न बढ़ा लेवें घनत्व नहीं बढ़ेगा। इसके उदाहरण के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जैसे लकड़ी का बुरादा है, उस बुरादे के ऊपर हम चाहे एक निश्चित सीमा पर दबाव के कारण से घनत्व बढ़ेगा और उसके बाद में हम चाहे कितना भी दबाव डाल लें उसका घनत्व नहीं बढ़ेगा। जब दबाव के कारण से निरंतर घनत्व नहीं बढ़ेगा तो ऐसे क्या कारण है कि पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व 11 है। इसके संदर्भ में भूगर्भ शास्त्रियों ने उल्लेखित किया है कि भूगर्भ में निकिल और फेरियम जो पाए जाते हैं उनका घनत्व स्वयं ही अधिक होता है और घनत्व स्वयं ही अधिक होने के कारण से पृथ्वी के अंतरतम या निफे का घनत्व अत्यधिक होता है। इस प्रकार घनत्व के माध्यम से हम एक तथ्य पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में
स्पष्ट रूप से जान जाते हैं कि द्रातल से गर्भ की तरफ जाने पर घनत्व बढ़ता जाता है। पृथ्वी के अप्राकृतिक स्रोत में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अप्राकृतिक स्रोत में दबाव के कारण से घनत्व बढ़ता जाता है। तीसरा, अप्राकृतिक स्रोत के रूप में तापमान केल्विन महोदय ने पृथ्वी के धरातल से भूगर्भ की तरफ जाने पर तापमान बढ़ने की दर को ज्ञात किया है। केल्विन महोदय के अनुसार पृथ्वी के धरातल से भूगर्भ की तरफ जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर एक डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 32 मीटर की गहराई पर एक डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाता है। पृथ्वी के धरातल का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, अंतरतम का तापमान 7000 डिग्री फारेनहाइट, पृथ्वी के भूगर्भ का तापमान अधिक होने के लिए दो कारण उत्तरदायी हैं, जिसमें पहला है रेडियो एक्टिव पदार्थों का विघटन। पहला कारण है रेडियो एक्टिव पदार्थों का विघटन। रेडियो एक्टिव पदार्थों में हम मुख्य रूप से यूरेनियम और थोरियम को लेते हैं। जब इन रेडियो एक्टिव पदार्थों का विघटन होता है, उससे ऊष्मा का जनन होता है। चूंकि ये रेडियो एक्टिव पदार्थ क्रस्ट में अधिक पाए जाते हैं, यद्यपि मेंटल में भी पाए जाते हैं, लेकिन इनकी अधिक मात्रा क्रस्ट में हमें देखने को मिलती है। दूसरा कारण गुरुत्व बल का ऊष्मा में परिवर्तन। वर्तमान से 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व मेंटिल एवं अंतरतम का अलगाव हुआ। जब मेंटिल और अंतरतम का अलगाव हुआ तो वहाँ पर स्थित तापमान बढ़ने के कारण से मेंटिल गलनांक बिंदु पर पहुँचा, और जैसे मेंटिल में गलनांक बिंदु पहुँचा तो मेंटिल में स्थित लोहा पिघला, और जैसे मेंटिल में स्थित लोहा पिघला, पिघलने के कारण से यह लोहा अंतरतम में डूबा, और जैसे ही यह लोहा अंतरतम में डूबा तो उससे गुरुत्व बल मुक्त हुआ। गुरुत्व बल मुक्त होने के कारण से 2×10^37 अर्घ ऊष्मा 2×10^37 अर्घ ऊष्मा मुक्त हुई, और जैसे ही
2×10^37 अर्ग ऊष्मा मुक्त हुई तो पृथ्वी के भूगर्भ में अत्यधिक ऊष्मा का जनन हुआ। तो इस प्रकार पृथ्वी के भूगर्भ में अत्यधिक ऊष्मा के होने के दो कारण हैं, रेडियोएक्टिव पदार्थों का विघटन तथा गुरुत्व बल का मुक्त होना।